What was pitched outside the Aston and sailing through the keeper gloves. No harm done by the bowler. So it must be the opener launched in the first over by Edak. So it's just mentioning the my co-commentator that that was the batsman who gets a winning score, a winning shot. He's a winning shot in the semi-final for Edak, but unfortunately he has lost his wicket by his own mistake. या बिल्कुल यहाँ पर दूसरा रन बनता नहीं था जल्दी की दोनों बैट्समैनों ने और नतीजा आउट। ये विकेट उन्होंने अपने हाथों से खुद गवाई। या दैट वाज हिज ओन मिस्टेक बिकॉज़ ही वाज रनिंग टुवर्ड्स द डेंजर एंड स्ट्राइकिंग एंड एंड द बॉल वाज नॉट सो फार अवे फ्रॉम द फील्ड्समैन. नए बैट्समैन आए हैं वन डाउन की पोजीशन पर और देखते हैं वो किस तरह इस इनिंग को आगे बढ़ाते हैं और रन रेट को भी मेंटेन रखते हैं और स्कोर भी निकालते हैं. तो मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने सुना है कि जो प्लेयर हैं वो बड़े तगड़े होते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में खेलते हैं और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उनके साथ खेला हूँ माजी में उनके बहुत अच्छे प्लेयर खासकर क्रिकेट के जो उनके खिलाड़ी हैं बहुत नामी गिरामी खिलाड़ी मतलब पहले किए हैं लेकिन आज देखते हैं कि वे लेफ्ट हैंड के बैट्समैन किस तरह खेलते हैं. स्टांस तो उसका बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है. काफ़ी फ्लेक्सिबल बैट्समैन लगते हैं मेरे ख्याल में. तो इस तरह के बैट्समैन काफ़ी रिस्की होते हैं और वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट करते हैं गेंद की और इस मरतबा फिर लेग स्टंप से बाहर थे गेंद अंपायर का इशारा कि वाइड तो स्कोर में मजीद एक रन का इजाफा. इस ओवर का अगला बॉल और बिल्कुल एरो लेंथ से बॉल पर पकड़े बैट्समैन समझ नहीं पाए मेरे ख्याल से लग पाई होगा एक रन का इजाफा लेग बाई बढ़ता हुआ स्कोर चार. बीच लिया इस मरतबा गेंद अंदर की जाने वाले और वो कवर में खेलना चाहते थे लेकिन कंप्लीटली रिसीव किया ये गेंद अंदर की जाने वाली और खुशकिस्मत रहे कि वो उन्होंने एज नहीं लिया और गेंद कीपर के पास नहीं आई. लगाया है लेकिन एक गेंद के लॉन्ग रन की जाने शॉट के